आज हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई कंपटीशन को देखते हुए हर एक युवा, हर एक छात्र, हर एक ऐसे फेलियर्स की ज़रूरत है एक सच्चे दोस्त की, सच्चे पेरेंट्स की, सच्चे गार्जियंस की, सच्चे मित्र की, सच्चे सच्चे सहायक शिक्षक की, सच्चे ट्रेनर की, जो हमें एक ऊर्जा दे सके, ऊर्जा प्रदान कर सके, एक सच्चाई दिखा सके, एक नई रास्ता दिखा सके। अगर आप भी वेल प्रिपेयर्ड हैं, यानी अच्छे तरीके से पढ़ाई वढ़ाई किए हैं और पढ़ने लिखने का ज़्यादा शौक़ रखते हैं, रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए एक बेहतर चीज़ है मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर एक ऐसा फील्ड है जहाँ इंसान अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है, मतलब प्राउड फील करता है। अगर आप भी ऐसे लोगों से जुड़ने की कला जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर तरीका है, आप लोगों को कन्विंस करने की कला जानते हैं। तो स्पीकर बनने से पहले, सबसे पहले इंसान को लिसनर बनना पड़ता है, क्योंकि आगे वाला हमसे जो क्वेश्चन करेगा वो तो आपको पता नहीं है, इसलिए आपको जवाब देने से पहले काफ़ी अच्छे तरीके से सुनना पड़ेगा। और आप सुने हैं उस क्वेश्चन को तो आप अच्छे से प्रिपेयर होंगे, तभी उसके जवाब दे सकते हैं। उन्हीं को हिम्मत देना, हेल्प करना ही मोटिवेट है। हर तरह के लोग मिलेंगे जो फेल हैं या कुछ करने की चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, उनको आप सही रास्ते दिखा सकते हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर का, जैसे संदीप महेश्वरी, देख लीजिए, जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रही है, कुछ बहुत अच्छा कर रही है इन बच्चों के लिए, इस सोसाइटी के लिए। हैं ऐसी बहुत सारी है, और मैं जा करके जब मैं उनसे मिला और मैंने समझा कि किस तरह से वो उनके राइट्स के लिए लड़ रही हैं, किस तरह से उनकी जरूरतें पूरी कर रही हैं, किस तरीके से जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो कर रही हैं, इन बच्चों को एक सही डायरेक्शन दिखा रही हैं, बस इतना ही काफी है। उनका काम होता है डायरेक्शन दिखाने का और उनको रिसोर्सेज देने का, बाकी सारा काम ये बच्चे करते हैं और फिर आगे आते हैं सोसाइटी में और फिर जा करके कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन वहां पर क्या प्रॉब्लम है? छोटी सी प्रॉब्लम है, ज्यादा बड़ी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस चाहती तो हैं बहुत कुछ करना, क्योंकि ऐसे करोड़ों बच्चे हैं, लेकिन उसमें से 10% बच्चों की भी मदद नहीं कर पा रही, बाकी के 90% मर रहे हैं, बेकार जिंदगी जी रहे हैं, जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रही? वो करना चाहती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि एक दो नहीं है, हजारों हैं जहां पर लाखों लोग काम कर रहे हैं, वो करना चाहती हैं, वो कर सकती हैं, लेकिन सब बच्चों की हेल्प नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं, बस इतनी सी वजह है और कुछ नहीं है। ये सुनने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। या तो ना कि कोई करने वाला ही ना हो, अरे पैसा ही तो नहीं है, पैसा क्या है, कागज का टुकड़ा ही तो है, आ जाएगा कहीं से भी आ जाएगा। तो पैसा नहीं है, ये जड़ है इन करोड़ों बच्चों की, जिनके पास में सब कुछ है, टैलेंट है, क्वालिटीज हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो पढ़ भी सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। क्यों? पैसा नहीं है और उनके माँ बाप उनकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, तो कौन लेगा उनकी जिम्मेदारी? एग्जैक्टली, मैं लूंगा। बस इस सोच को हमको डेवलप करना है, और मैं आपको नहीं बोल रहा इस सोच को डेवलप करने के लिए, मैं आपको अपनी सोच बता रहा हूं कि मेरी सोच क्या है। अगर किसी को काम करना ही है दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे जो इन बच्चों से कराया जा रहा है, तो ये बच्चे नहीं करेंगे, मैं करूंगा। 24 घंटे में से 18 घंटे काम मैं करूंगा, मेरे हाथों में और पैरों में मेहंदी नहीं लगी हुई कि मैं बैठ करके टीवी देखूंगा और वो बच्चे वहां पर काम करेंगे, मैं करूंगा। अगर किसी को 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने के बाद में दर्द से चीखते हुए, चिल्लाते हुए, अकेले में कमरे में बैठ करके रोना ही है, तो वो बच्चा नहीं रोएगा, मैं रोऊंगा, मैं रोऊंगा, एक बार नहीं हजार बार रोऊंगा। दर्द किसी को होना ही है तो उस बच्चे को नहीं होगा, मुझे होगा, मैं सहूंगा दर्द, मैं करूंगा। आप में से अगर कोई है जिसकी ऐसी सोच है,
तो आओ हाथ मिलाओ, आगे बढ़ो, कमाओ जितना कमाना है, आगे बढ़ो, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए। जो भी कुछ मैंने आज तक किया या आगे भी जो करने वाला हूं, वो किसी की बुराई करना नहीं है, बुराई से लड़ना नहीं है, बुराई को खत्म करना नहीं है, ये नहीं है मेरा मकसद। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि वो अच्छाई जो मैं अभी आपकी आंखों में देख रहा हूं, आपकी आंखों में देख रहा हूं, आपकी आंखों में देख रहा हूं, यहां पर बैठे हुए हर आदमी की आंखों में देख रहा हूं, झांक करके आपके दिल के अंदर देख रहा हूं, वो अच्छाई है इस दुनिया के हर इंसान के अंदर, चाहे वो कितना भी बुरा हो, अच्छाई है, बस छुपी हुई है, दबी हुई है, सहमी हुई है, डरी हुई है, सोई हुई है, उस अच्छाई को जगाना है। संदीप महेश्वरी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, इनको तो मैं फॉलो करता हूँ। दूसरे हैं ये विवेक बिंद्रा जी, इन्हें भी देख लीजिए। छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को दूर जाने नहीं देती, छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को दूर जाने नहीं देती। विवेक बिंद्रा जी काफी लोगों को मोटिवेट करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, आप भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पर मेहनत करेंगे, यानी इनके जैसा पावर होनी चाहिए आवाज़ में, इनके जैसा लोगों की से जुड़ने की कला होनी चाहिए, कन्वेंस करने की, हर तरह के दर्शकों से जुड़ने की कला सीखनी चाहिए, और अधिक से अधिक क्षेत्रों की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप सही से किसी को जवाब दे सकते हैं और उसे प्रसन्न कर सकते हैं और उन्हें हिम्मत दे सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों से वाकिफ हैं तो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। इनकी कमाई की बात करें तो पता नहीं, लगभग ये लोग करोड़ों रुपए मंथली कमाते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं तो इन लोगों को जरूर फॉलो कीजिए, इनमें से एक APJ अब्दुल कलाम जी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मोटिवेट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।